हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 19 मार्च 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। हाल ही में रंजन गोगोई जी, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के। जो यहाँ पे 12 जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड, उनमें से एक इनको मेंबर बनाने की कोशिश की गई। इन्होंने नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और जब इनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं, क्या इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब ओथ लेने के बाद में राज्यसभा में दे दूंगा। तो अभी तो इनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस को पार्लियामेंट्री सीट लेना किस तौर पे देखा जाना चाहिए। क्या ये एक पॉलिटिकल रिवार्ड है या महज जुडिशरी और लेजिस्लेचर को करीब लाने की कोशिश है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन रहे, या फिर रंजन गोगोई जी का जो एक्सपर्टाइज रहा है लॉ में, ऐसे तो आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस जो कैटेगरीज हैं जिसमें नॉमिनेशन ले सकते हैं जो 12 मेंबर सीट्स हैं, उनमें सोशल सर्विस के अंदर लॉ आता है। तो रंजन गोगोई जी को सोशल सर्विस के नाम पे जो है लिया जा रहा है, तो ये एक्सपर्टाइज दे सकते हैं। हालांकि इनकी एक्सपर्टाइज लिमिटेड है लॉ में, इनकी एक्सपर्टाइज जो है लिमिटेड है। फिर भी क्या, किस तौर पे हम इसको देखें, तो मैं ये सब कुछ जो है बताने से पहले आपको एक आर्टिकल बता देता हूँ। यह है आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मैं आपको सेवंथ क्लोज अगर आपको बताऊँ तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आ जाए, इंप्लॉयमेंट की बात आ जाए रिटायर होने के बाद, तो इस आर्टिकल को ये सेवंथ क्लोज जरूर मैंशन करिएगा। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो भारत की जो टेरिटरी है उसमें जो अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो या कोई कोर्ट हो, उसमें जो है यहाँ पे एक्ट नहीं करेंगे, उसमें जो है वहाँ पे काम नहीं करेंगे। हालांकि कई बार आपने देखा होगा कि जजेस की कमी जब होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो एडहॉक जजेस को भी लाया जाता है, एक्टिंग जज को भी लाया जाता है। और जैसे आप NHRC में देखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में देखेंगे, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें बताती है कि अभी ये आर्टिकल का जो क्लोज है पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं कि इसमें इसने जो है एम्प्लॉयमेंट से मना किया, अपॉइंटमेंट से मना नहीं किया। राज्यसभा में जो उनका नॉमिनेशन है वो उनका अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एज ए चार राज्यसभा मेंबर एज सून आफ्टर हिज रिटायरमेंट विल बी सीन एज क्रैश एग्जाम्पल ऑफ रिजीम रिवार्डिंग अ मेंबर ऑफ द जुडिशरी फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। चीफ जस्टिस फॉर्मर जो हमारे रंजन गोगोई जी हैं, उनके टेन्योर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्डिक्ट्स आए हैं जो देखा गया कि सरकार के पक्ष में थे, सरकार के जो है उन्होंने काफ़ी जो है फोर में यहाँ पे रिवार्ड दिए, अगेंस्ट नहीं गए वो। तो एक तरीके से अब सरकार जो है वह उनको जो उन्होंने फेवर किया वो चुका रही है। तो क्विड प्रो क्यो इसे जो है बोला जा रहा है, क्विड प्रो क्यो, यानी ये जो है एक तरीके से रिवार्ड है कि अब कुछ दिया आपको, हम भी आपको कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप ये कहो कि नहीं, रंजन गोगोई जी तो बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको जो है एक तरीके से राज्यसभा में लाने से एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, राज्यसभा के लोगों को भी हेल्प मिलेगी, तो ये तो एक चीज़ सही है। लेकिन जो डिसीजंस इन्होंने अपने कोर्ट में लिए वो प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अनुरूप थे। तो आप एक्सपर्टाइज की बात करो तो वो तो दूर ही रख दो। ऐसा तो नहीं है कि इनके पास ही ऐसी एक्सपर्टाइज है जो किसी के पास है ही नहीं। दूसरी बात, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, कई बार ऐसा हो चुका कि रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस को अपर हाउस में नॉमिनेट किया गया, गवर्नर को भी गवर्नर के पद पे भी अपॉइंट किया गया। बात वही है, अभी ले लो, पहले की ले लो, अपर हाउस की ले लो, गवर्नर की ले लो, इम्प्रोपराइटी सेम है। इम्प्रोपराइटी मतलब वही कि रिवार्ड यहाँ पे जिस तरीके से दिया जा रहा है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है एक तरीके से खतरे में आ जाएगी। पहले भी ऐसा हुआ था,
कि सी जे रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस बहरू मस इस्लाम की बात हो रही है कि उन्होंने जो है सरकार के पक्ष में कुछ दलीलें दी, कुछ बातें करी और फिर जो है वर्डिक्ट दिया, तो सरकार ने जो हमको रिवार्ड के रूप में इलेक्शन के भी लड़ने के लिए और पता नहीं क्या क्या, उस पर हमको नहीं जाना। प्रिलिम्स के मकसद से हमको ये जानना पड़ेगा कि एक तो नॉमिनेट कैसे किया जाता है, नॉमिनेट मेंबर्स कौन से होते हैं, और यहाँ पे मेंस के मकसद से कि जुडिशियर की इंडिपेंडेंस पे क्या इसका असर नहीं पड़ेगा। मिस्टर गोगोई का अपॉइंटमेंट आप ऐसे नहीं दे सकते कि यहाँ पे ये जुडिशियरी और लेजिस्लेचर है उनके बीच में कोहेशन लाने की कोशिश है, दोनों को मिलाने की कोशिश है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश है, क्योंकि जुडिशियरी को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और अगर वो जुडिशियरी को रिप्रेजेंट करते और आप फिर लेजिस्लेचर में कुछ अगर उनका कंट्रीब्यूशन करवाते तब वो माना जाता कि यहाँ पे उनकी एक्सपर्टाइज जो है हम यहाँ पे पार्लियामेंट में ला रहे हैं, उनकी नॉलेज हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं, पर वो जुडिशियरी को रिप्रेजेंट नहीं करते तो जुडिशियरी और लेजिस्लेचर का कोहेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब कोई और है। तो अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, अब बोबड़े जी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इस तरीके से जो दो विंग है लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर जुडिशियरी की, अगर इसके इस तरीके से आप कोहेशन क्रिएट करना चाहोगे तो ये तो जुडिशियरी की रोल को आप इंक्रोच कर रहे हो, इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे हो, उनको ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए था, कंसिडरिंग नॉट ओनली द नेचर ऑफ द जजमेंट्स दैट बेंचेस हेडेड बाय हिम हैड डिलीवर्ड इन द अयोध्या डिस्प्यूट एंड रफाल इन्वेस्टिगेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट ही हैड मेड इन प्रायोरिटिंग सम केसेस अबव मैटर्स सच एज वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कश्मीर इज एल्टर्ड स्टेटस। उनको ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए था क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए या उनके जो जजमेंट्स का कुछ नेचर ऐसा था कि वो रूलिंग जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट थी, उनके पक्ष में था, और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, अब देखो सी जे आई जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, बेसिकली उनके पास ये वो है तो फर्स्ट अमोंग द इक्वल, यानी सब जजेस से पहले वो आते हैं, उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है कि वो कौन सा केस किस बेंच को अलॉट कर सकता है, वो उनकी डिस्क्रिशन है, उनके ऊपर है। तो उन्होंने कुछ ऐसे केसेस भी जो है बेंच को दिए जो सवाल उठ रहे थे, और कई बार उन्होंने जो है कुछ केसेस को बिल्कुल पीछे कर दिया और कुछ केसेस को ऊपर ले लिया, प्रायोरिटाइज जो है वो कुछ केसेस को नहीं कर पाया, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, कश्मीर का एल्टर्ड स्टेटस। इलेक्ट्रल बॉन्ड की मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रल बॉन्ड आए कितना समय हो गया, 2019 का जो चुनाव है आप देखोगे वो बिल्कुल, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से बहुत पैसा है, दिल्ली जो चुनाव हुए उसमें भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को सभी पार्टियों को जो है चंदा मिला था। इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुनवाई नहीं कर रहा और चंदा लिया जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको पता है एनोनिमस होते हैं, कोई नाम नहीं होता, SBI में जाके आप किसी बैंक में जाके जो ऑथोराइज है आप जो है पैसा दान कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, और पैसा दान करेंगे तो आपको जो है फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको मिल जाएगा, तो एक तरीके से आपकी जो है यहाँ पे सबूत हो गया कि आपने जो है पैसा दिया था यहाँ पे। तो ये बेसिकली एनोनिमस है ना, आपका नाम ना कोई कंपनी का नाम, कोई एंटिटी कोई भी जो है दान दे रही है, जो कोई डोनेशन कर रही है, कोई नाम नहीं आता। सवाल उठ रहे थे केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट आज तक इसकी सुनवाई नहीं कर रहा, चंदे पे चंदा जो है पार्टीज लिए जा रही है। तो ये मैटर प्रायोरिटी पे नहीं है तो कौन से मैटर प्रायोरिटी पे आएंगे फिर? तो ये जो है इनको जो है फॉर्मर कलीग्स का एग्जांपल देखना चाहिए था, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे भी जजेस रहे हैं इतिहास में जिन्होंने जो है मना कर दिया था। तो इनका जो टेन्योर था उसमें भी इनके ऊपर आरोप लगा था सेक्सुअल हरासमेंट का, हालांकि ये केस जो है बहुत कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बाद में जो है वो लड़की को जो है उस लड़की को गिल्टी ठहरा दिया गया, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ इस केस में, लेकिन एक तरीके से आप देखोगे काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनका टेन्योर रहा है और लैंडमार्क जजमेंट्स भी इन्होंने दिए। तो गवर्नमेंट को भी एक बार ये सोचना चाहिए था कि क्या हम जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनको ऐसा ऑफर देना चाहिए, क्या इससे जुडिशियल अथॉरिटी अंडरमाइन नहीं होगी, क्या ये एक तरीके से कोशिश है, इंटेंशन है सरकार के द्वारा जिसमें एग्जीक्यूटिव को पावरफुल दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मेंस के लिए तो क्वेश्चन आपका ही सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ बता दूं। ये अचीव आईएएस के टेलीग्राम चैनल है, कल इसमें मैंने पोस्ट की थी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको जो है पढ़नी चाहिए थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मेंबर जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 6 साल के लिए, 6 ईयर टर्म के लिए।
और वे जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं आर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए, साइंस के लिए, सोशल सर्विस के लिए। तो ये जो राइट है ये प्रेसिडेंट पे किसके द्वारा, ये हमारा फोर्थ शेड्यूल के द्वारा दिया गया है। जो भी आर्टिकल जो फोर है और आर्टिकल जो 80 है, आर्टिकल फोर को क्लोज वन, 80 क्लोज टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा जो है इसको पावर मिली हुई है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है सारी पावर्स और प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं जो एक पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर को मिली हुई होती है। वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं और वो जो है दूसरे हाउस में भी पार्ट ले सकते हैं, वो जो है लोकसभा में भी पार्ट ले सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एक तरीके से आप देखोगे, मुझे माफ़ कीजिए, जो केवल मिनिस्टर्स होते हैं वही दूसरे हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पे जो है बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। जो एमपीज होते हैं वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एमपीज हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स की तरह उनके पावर होती है। और ये लेकिन आप ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्ट नहीं लेते, आपने पढ़ा होगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये जो है वोट देते हैं, और आज तक कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इनको नहीं लिया गया। नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनको छः महीने का वक्त भी दिया जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको जो है, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ध्यान रखना एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है हमारे, वो 6 महीने का वक्त किया जाता है कि 6 महीने तक जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद करेंगे तो आपकी सीट चली जाएगी। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो हमको छूट भी दी जाती है कि आप जो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 75A के तहत जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ आपकी संपत्ति आपकी जो बतानी होती है वो आप नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। यानी कि वो 90 दिन के अंदर करनी होती है इलेक्टेड मेंबर को जब वो शपथ लेता है, लेकिन जो है नॉमिनेटेड मेंबर को छूट दी जाती है कि वो जो है नहीं भी करे तो भी चलेगा। तो मेंस के लिए आपको जानना जरूरी है कि क्या इस तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकती है। तो आप जो है फोर में और अगेंस्ट में लिख सकते हैं। फोर में लिख सकते हैं कि इससे जो है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और जुडिशियर में कोऑर्डिनेशन आएगा, जुडिशियरी जो है वो अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो दे सकती है पार्लियामेंट को, और इससे जो है कोशिश और इनका जो है नॉमिनेशन किया जा रहा है तो इनकी जो एक्सपर्टाइज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अगेंस्ट में आप बोल सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है खतरे में आ जाएगी, और अगर इस तरीके से जजेस ने अगर फेवर में दी हो गवर्नमेंट के कुछ जजमेंट्स तो फिर जो है सवाल ज़्यादा उठेंगे। तो फॉर और अगेंस्ट में जो है पॉइंट्स बना सकते हैं। अपर हाउस नॉमिनेशन अ फॉल ऑफ द फुलनेस, ये वही बात हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो उसमें जो है हमको यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना। टाइम फॉर अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ ह्यूमिनिटी, और ये डेमोक्रेटिक हेफ्ट वाला जो आर्टिकल है ये यूएसए पे, यूएसए की जो पॉलिटिक्स पे वो हम नहीं पढ़ेंगे। ये वाला आर्टिकल जो आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी होगा, ये आर्टिकल पढ़िए आप। कोविड-19 जिस तरीके से देश में फैल रहा है और इंडिया में जो है सब लोग सोच रहे होंगे क्या हमने अलग ऐसा किया कि हमारे पास जो इतना नहीं हुआ। ग्लोबली 45 दिन लगे 1,00,000 केसेस पहुंचने में, और अगले 9 दिनों में जो है 1,00,000 पहुंचने की संभावनाएं हैं। हर 9 दिन में ग्लोबल डेथ काउंट डबल हो रही है। तो आज 2,00,000 के करीब कन्फर्म्ड केसेस हैं और 8,000 के लोग करीब जो हैं मर गए हैं। तो आप ग्लोबल डेथ टाउन देख सकते हैं। तो एपिडेमिक इस तरीके से ही होती हैं, इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते चले जाते हैं। कन्फर्म्ड केसेस भारत में आज 158 हैं, जो कि आइसलैंड जैसी छोटी कंट्रीज से भी बहुत कम हैं। आइसलैंड में भी 250 केसेज आए और इंडिया में केवल 158 आए, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। क्या हम सबसे बेहतर हैं, हम में ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। टेस्टिंग हमारे यहाँ पर काफ़ी लो है, चेकिंग यहाँ पे ढंग से नहीं हो रही। केवल 1,00,000 में से 10 लोगों की चेकिंग हो रही है, तो बाकी जो छूट रहे हैं हो सकता है कोरोना वायरस से वो पीड़ित हो, उनको चेक नहीं किया गया, इस वजह से भी डाटा नहीं आ रहा। तो जैसे थाईलैंड में 1,000,000 में 120 लोगों को चेक किया जा रहा है, वियतनाम में 1,000,000 में 40 लोगों को चेक किया जा रहा है। वियतनाम में बहुत जो है अच्छे से इन्होंने काम किया। और आप देखोगे कि जो और जो कंट्रीज़ हैं चाइना के अगल बगल में, उन्होंने भी जो है शुरू में चेकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी जब पहला केस आया था। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत अभी भी जो है लो टेस्टिंग कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन यही निकल के आ रही है सरकार की तरफ से कि अभी हम इसलिए टेस्ट इतने नहीं कर रहे क्योंकि जो टेस्ट किट्स हैं वो कम अवेलेबल है, ग्लोबल सप्लाई रुकी हुई है, और जब अगर आउटब्रेक तेज़ी से हो जाए तब के लिए जो है कंजर्व करके रखे हुए हैं। राइटर यहाँ पे पूछ रहे हैं तो इससे बड़ी ज़रूरत आज से बड़ी ज़रूरत अब क्या होगी, कब तक निकालोगे इसको? तो शॉर्टेज होंगी, ज़रूर होंगी, मैं मानता हूँ। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एडिक्वेट सप्लाइसेज जो हैं वो बंद पड़ी हैं क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो लिमिटेड स्टॉक्स भी, लेकिन
खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई। अगर टेस्टिंग आज नहीं करोगे, सप्लाई को देखोगे, तो कल ये और चीज़ बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आज टेस्टिंग कर दोगे तो कल बढ़ेगी नहीं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी बोला है कि यू कैन नॉट फाइट अ फायर ब्लाइंड फोल्डेड, आग से आप आँख बंद करके नहीं लड़ सकते। तो हमको जो है कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना ही होगा टाइमली मैनर में, ताकि जो इस सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनको हम रोक सकें। भाई प्राइमरी इन्फेक्शन जब है, जब आपके यहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है, जब टूरिस्ट वगैरह है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जब हो रहा है, जबकि आपकी कम्युनिटी आपका जो है इन्फेक्शन फैला रही है। तो यहाँ पे कोई शर्म नहीं है कहने में कि इंडिया में जितने केसेस हैं उससे कम हमने डिटेक्ट कर पाए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी उन्होंने बोला है कि केवल इनके जो केसेज हैं वो काफ़ी कम है, अनडिटेक्टेड है, और इससे ज़्यादा केसेज वो हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या भारत जिसकी पॉपुलेशन यूके से 20 गुना बढ़ी है केवल 152 केसेस हो सकते हैं, जब यूके में 10,000 केसेस होने की संभावना है। तो यहाँ पे सब साफ साफ नज़र आ रहा है कि टेस्टिंग जो है वो भारत में तेज़ी से होनी चाहिए। अगर होगी तो कंफर्म केसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंफर्म केसेस हैं। तो यहाँ पे हमको तैयार रहना पड़ेगा बिना किसी पैनिक के, बिना किसी डर के, क्योंकि ये ही है और किसी तरीके से ही जो है एपिडेमिक चलती है। और रियल नंबर जो है पब्लिक में आने चाहिए। रियल नंबर पर मैंने आपको जो है एथिक्स के ऊपर जो आपको परसों या फिर कुछ दिनों पहले जो है एक क्वेश्चन भी बताया था, किस तरीके से जो रियल नंबर पब्लिक के सामने पब्लिश करे कि नहीं करे, इसके ऊपर फोर में और अगेंस्ट में मैंने पॉइंट्स बताए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो कुछ स्टेज पर ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मेजर्स भी डालने पड़ेंगे, क्वारंटाइन और क्लोजर करने पड़ेंगे, जैसे चाइना ने वुहान में किया है। तो डिसीज परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इस राइटर को बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी बुरी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ईजी आंसर नहीं है इसका। अगर हम बुरे चीज़ों से, इस बुरी से बुरी चीज़ से बच सकते हैं तो बच सकते हैं। और हो सकता है वायरस जो है, कहा जा रहा है कि टेम्परेचर की वजह से ज्योग्राफिकल सेंसिटिविटी की वजह से रुक जाए, गर्मी की वजह से रुक जाए, तो वो तो हमारी दुआएं ब्लेसिंग्स होगी। लेकिन वायरस जो है जनरली ऐसा होता नहीं है, म्यूटेट होते रहता है। अगर यूरोप से जो प्रोजेक्शन है अगर इंडिया में एप्लीकेबल हो, तो हमारे भी यहाँ के केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और दुनिया में जो है केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, COVID-19 इन्फेक्शन जो है बढ़ेंगे। इटली और स्पेन में तो जो है मतलब बताया जा रहा है 4 और 8 मिलियन केसेस आ रहे हैं रेस्पेक्टिवली, सोचो। तो ये केसेस जो हैं ये बेसिकली अब आएंगे ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो इंडिया में भी जो है यहाँ पे अभी अगर मैं हालात आपकी बताऊँ, तो इंटेंसिव केयर जो यूनिट्स हैं, ICU यूनिट की अगर बात करूँ तो 70,000 से केवल 1,00,000 तक की हैं, और वेंटिलेटर्स भी केवल कम ही हैं। तो ये इनएडिक्युएट तो है ही, साथ में जो है ये काफ़ी डिजास्ट्रस चीज़ है कि इस तरीके से अगर हमारे पास हैं और कलने को केसेस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे। तो अगले 2 वीक हैं बहुत खतरनाक आएंगे। मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर ना जाएं, अंदर ही रहें, वर्क फ्रॉम होम करें, कोशिश करें कि पब्लिक गैदरिंग में आप ना जाएं, क्योंकि ये वक्त जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 वीक जो होंगे अगले, वो बेसिकली आप देखोगे कि लार्ज और टेम्प्ररी हॉस्पिटल जो हैं वो उनमें भर्तियां होंगी इन मरीजों की काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम लकी हैं तो हमको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इन्फेक्शन जो है इतना नहीं फैलेगा भारत में। लेकिन बात वही है ना कि जो डॉक्टर एंथनी ने बोला, जो UN के एक जो रिसर्चस्ट है, वो कहते हैं कि वी शुड गेट क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर रिएक्टिंग रेदर देन बीइंग अंडर प्रिपेयर्ड। ये कोट याद कर लो, मेंस के एग्जाम में काम आएगा, कि हमको जो है ओवर रिएक्ट अगर हम करते हैं किसी बीमारी के प्रति तो इसके लिए क्रिटिसाइज होना मंजूर है, लेकिन अंडर प्रिपेयर्ड अगर हम है, अगर हम बचा नहीं पाते, तो उसके लिए जो है फिर वो मंजूर नहीं है। तो आप अगर ओवर रिएक्ट करते हो, पब्लिक गैदरिंग बंद कर देते हो, सेक्शन 144 राजस्थान में लग गई, तो इसके लिए पब्लिक आप पे गुस्सा कम दिखाएगी, क्रिटिसाइज तो करेगी, पर वो बेहतर है। ये सब जो है डूम्सडे जैसा लग रहा है। डूम्सडे मतलब आखिरी दिन, दुनिया का आखिरी दिन। पर देखो, हम दशकों से देखते हैं किस तरीके से जो है कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आए, एस्टेरॉयड हिट, न्यूक्लियर वार, ये सब के जो है चांसेस हमारे ऊपर जो है हमेशा से रहे हैं, डर हमेशा से बना रहा है। और पेंडेमिक भी जो है डिसीज पेंडेमिक भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा ही रहा था। तो राइटर कह रहे हैं कि मेरे साथ के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो सालों उन्होंने बिता दी गवर्नमेंट को वार्न करते हुए कि ऐसा इवेंट जो है हो सकता है। हमारे पास जो है काउंटलेस आर्टिकल्स और काउंटलेस मीटिंग्स हैं जिनमें हमने ये बातें कही, इस सब्जेक्ट में हमने कहा। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बाद जो है बहुत कुछ हुआ, लेकिन इनफ नहीं हुआ। पेंडेमिक प्रिपेयरनेस हमेशा से जो है मूवमेंट के जो क्राइसिस में पीछे ही रह जाती है, बैकसीट ले लेती है। तो इस समय हमारे पास कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं है, अगर सच बात बोले तो, कि हम इस अकरेंस को अगर हम रोक सकें। तो इस क्राइसिस के वक्त में इजी है किसी भी सरकार को ब्लेम करना, चाहे वो USA हो चाहे वो चाइना, लेकिन हमको इस समय साथ खड़ा रहना पड़ेगा, पड़ोसियों पे नज़र रखनी पड़ेगी, दोस्तों पे नज़र रखनी पड़ेगी, फैमिलीज पे, कोवर्कर्स पे, और हर एक व्यक्ति पे जो आपको टच कर रहा है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है।
जो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आज हमको ये देखना है कि ह्यूमन वैल्यूज़ को हमको सबसे अच्छे तरीके से साबित करना पड़ेगा इस क्राइसिस के वक्त में, जो है जो हमने कभी भी आज तक कभी ज़िंदगी में देखी नहीं, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे जो जनरेशन देख रही है, और बुरी अभी चीज़ें होने वाली है। आशा करते हैं कि हम जो है अपना बेस्ट अगर लेके आएँ, बुरा कुछ भी इतना नहीं हो जितना रोस्ट होने की संभावनाएँ हैं, हम ये सब जानते हैं। और इस वजह से जो है ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाली जो सदी है, हमारी सेंचुरी है, ये अनप्रेसिडेंटेड एंड डिवास्टेटिंग चैलेंजेस लेके आएंगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इनको हमको रोकना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज कोई बाउंड्री नहीं देखेगा, क्लाइमेट चेंज जो है वो हर कंट्री का इफेक्ट पड़ेगा, खासकर कि पुअर कंट्रीज पे भी, और वक्त होते होते जो रिच कंट्रीज जो कि और जो यूएसए यूके पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इन पे पड़ेगा। तो इस सेंचुरी में हमको साथ लेना पड़ेगा, एक दूसरे की केयर करनी पड़ेगी, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, वरना जो है मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। एससी वर्डिक्ट वॉलेटिव माइनॉरिटी राइट, ये पढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये जो दूसरा आर्टिकल ओवर द क्लिफ, ये भी जो है पॉलिटिक्स के ऊपर है, यूएस प्रेसिडेंट की, और फेथ कांट ओवर राइट पब्लिक हेल्थ, ये बेसिकली क्या है कि अभी यूपी की गवर्नमेंट ने अभी जो है यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से भारत में जो है क्लोजर हो रहे हैं, लोग जो है पब्लिक गैदरिंग से मना कर रहे हैं, सरकारें जो एडवाइजरी जारी कर रही हैं, वार्निंग दे रही है, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे देखा गया कि जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो है लोगों को अपील भी की थी कि साथ नहीं रहे, फिर भी जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया गया कि जो आपका अयोध्या राम नवमी फेस्टिवल होता है, मेला जो होता है, उसमें जो है लोग आराम से यहाँ पे जो है मेले में इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि लैक्स ऑफ टूरिस्ट जो है यहाँ पे आते हैं, लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, तो केसेस बढ़ सकते हैं। इसका एग्जांपल सबूत दे रखा है, जब इटली में और कई जगह देखा गया कि जहाँ पे फेस्टिवल हुए थे उसके बाद केसेस में अपसर्ज दिखी थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, हमको पब्लिक हेल्थ को हमेशा से ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ओवर द क्लिफ, ये मैंने आपको बता दिया, यूएस की पॉलिटिक्स में भाई, यूएस के जो सामने जो अपोजिशन मेंबर्स है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो अपोजिशन जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, वो बेसिकली एक तो आपके बर्नीज हैं, और दूसरे जो हैं मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज पे जो है फोकस करने की यहाँ पे बात हो रही है, हालांकि आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो है ये, और मेंस के पर्सपेक्टिव से इस पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो ये पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। एनएससी वर्डिक्ट वॉलेटिव माइनॉरिटीज, ये जरूरी है। देखो, इसके लिए आपको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 जो है हमेशा याद रहना चाहिए, जब भी माइनॉरिटी एजुकेशन सिचुएशन या माइनॉरिटी राइट्स की बात है। बेबात क्या हो रही है कि हाल ही में जो है ये जजमेंट निकल के आया, जिसमें वेस्ट बंगाल का जो एक्ट है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल का एक्ट है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रास एजुकेशन एक्ट और वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन एक्ट, जिसको अपहेल्ड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के द्वारा, जिसमें इनको इस एक्ट के अंदर क्या होगा, बेसिकली जो मद्रासास जो होते हैं उनके अंदर टीचर अपॉइंट करने के लिए कमेटी जो है वो सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, एक बोर्ड होगा जो सरकार नॉमिनेट करेगा, उस बोर्ड में कौन कौन से जो है मेंबर्स होंगे, और उससे जो है टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे राइटर जो है सवाल उठा रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 30 है जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो इतना हक देता है, हाँ सरकार एडमिनिस्टर कर सकती है, लेकिन टीचर्स अगर अपॉइंट करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनॉरिटी का राइट जो है छिन जाएंगे। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 जो है आपको याद रहने चाहिए। और बस यही था आज के न्यूज़पेपर में। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।